प्यारे दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत तो ज़रूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से एक इंच भी आगे न चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आखिरकार किस तरह से उनकी मुश्किल हल हो सकी, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हदीस पाक में है जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी में थका देता है। और वही शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग ख़ास तौर पर नमाज पंजगाना की पाबंदी करते हैं, हर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज इसलिए अदा नहीं करते कि उन पर फ़र्ज कर दी गई है और उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अपने सर से इस फ़र्ज़ को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का ज़रिया है। फिर ये मुलाकात उनके तमाम तर आदाब व एहतराम के साथ होती है, इसको खुशू व खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व ताला उन पर अपना ख़ास करम कर देता है और लोगों को मुश्किलात से निजात मिलती है और लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा कर दिए जाते हैं। और ऐसे कई वाकयात सुनने में आते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला किया या कोई मौजी जानवर सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाकया तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, जो हम सुनते हैं और सीना बसीना ये हम तक पहुँच भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का है जो एक ट्रेन का सफ़र इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें रब्बुल आलमीन का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो अल्लाह तबारक व ताला जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिज्क अदा करने वाला है, तुम उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा, तुम उसकी तरफ चल कर जाओ, वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग इस नियत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, ये सफ़र करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आ पहुंचा था, तो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम यहीं पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि चलती हुई ट्रेन में नमाज अदा करते, हम प्लेटफॉर्म पर नमाज अदा करेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू करेंगे। दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे, उन तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी तरफ से
ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब सफ़र को शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन की आवाज़ आना बंद हो गई और मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दीगर काम करने वाले इस पर बड़ा परेशान हुए और बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये ट्रेन रुक गई। अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़ह तौर पर याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है, और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी भी उसका इंतज़ार नहीं करती है। लिहाजा ये तमाम मुसाफिरों को ये हिदायत पहले ही कर दी जाती है, जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी ट्रेन पर सवार हो जाएं। दोस्तों, अब ट्रेन का हॉर्न बजना भी बंद हो चुका था। अभी अल्लाह वाले और उनके दूसरे साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी कोई ख़राबी नहीं, यानी ये ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब चूंकि तमाम तर मामला मैकेनिक के समझ से बालातर था तो उसे रुख्सत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और उसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फौरी तौर पर पूछा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर इसी ट्रेन पर सवार होने वाले हैं। तो लोगों ने बताया कि इसी ट्रेन पर सफ़र करने वाले थे, ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक इस मामले को समझ गया था। वो एक तरफ बैठा और उन लोगों को देखता रहा। वो बड़े आराम से और खुशू-खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर ने ख़ुद उनके पास जाकर गुजारिश की कि ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और यूँ मालूम होता है कि शायद आप अपने परवरदिगार को देख कर नमाज अदा कर रहे हैं, यानी इतना अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा किया जा रहा था। आप नमाज अदा कर रहे हैं और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद खुदाए ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम दोबारा इस सफ़र को शुरू कर सकें। दोस्तों, ये बुज़ुर्ग उस वक्त अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। फिर वो अपने डिब्बे में सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरी तौर पर चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है नमाज का करिश्मा। इसलिए आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें। प्यारे दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।